अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू न्यूज़ इन विस्केट टू क्लाइंट। मैं मौजूद हूं यासिर लिया साहब और उमर बिलाल। अच्छा यासिर साहब, एक और बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं आजकल लंदन से, क्योंकि लंदन में आजकल बहुत ही अहम शख्सियात जो हैं वो मौजूद हैं, और पाकिस्तान हमेशा, जब भी पाकिस्तान में कोई इस तरह की बड़ी चेंजिंग आनी होती है जो होती है, लंदन जो है बड़ा किरदार होता है। लंदन से जो है वो बड़ी माजी में बड़ी मीटिंग्स भी होती रही हैं और बड़ी वहाँ पे लंदन प्लान भी बनते रहे हैं और बहुत कुछ लंदन के बारे में कहा जाते हैं। एक खबर गर्दिश की वो ये हुआ कि साबिक वजीर मुमलिकत जो हैं, जो कि नवाज शरीफ के करीबी रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने एक वहाँ के लंदन के जो साथी हैं उनको एक खबर दी कि आप मेरा नाम ये बगैर ये चला दें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जहांगीर तरीन और मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं नवाज शरीफ साहब से। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब, लोगों ने खबर तो खैर ब्रेक नहीं की क्योंकि वो पहले इसे जहांगीर तरीन साहब का मौका देना चाहते थे। जब जहांगीर तरीन साहब से रब्ता किया गया तो पता ये लगा कि वो तो स्विट्जरलैंड थे अपने बेटे के साथ, जो बिजनेस के काम के वाले थे, और एक हफ्ते बाद वापस आए हैं। तो उन्होंने अपना बयान भी जारी किया कि मैं इस तरह की कोई मुलाकात नहीं करना चाहता। अच्छा, अब जो खबर जारी की गई उसमें जो शराइत के जिक्र किया गया, यानी कि जो साथियों को खबर दी गई उसमें ये था कि जी नवाज शरीफ साहब ने ये शर्त रखी है कि अगर उनसे मुलाकात करती है तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये बताए कि इलेक्शन के दिनों में क्या हुआ। ये सब हो क्या रहा है? क्या ये वाकई जहांगीर तरीन साहब ने मुलाकात अच्छा सर, मुलाकात के इम्कान को तो रद्द नहीं किया जा सकता। देखें, जब दोनों शख्सियात एक मकाम के ऊपर मौजूद हैं और दोनों का एक पर्टिकुलर सियासी बैकग्राउंड बन चुका होगा, दोनों नाइल भी हुए और एक दूसरे की वजह से नाइल हुए, और अब तो ये बात टॉक ऑफ द टाउन है कि दोनों जो हैं वो बैलेंसिंग एक्ट के तहत नायल हुए, गालबन एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए नायल हुआ। अच्छा खैर, इससे पहले ना यानी कि लंदन हमारा अजीब सा, हमें लंदन फीलिया भी है या लंदन फोबिया भी है। हम अगर इतना लंदन हमें पसंद था और इतना हमारे लिए वो इतनी बड़ी पनाहगाह थी, हाइड पार्क है वो बेसिकली हमारे लिए, लंदन के अंदर जो हाइड पार्क है वो लंदन वालों के लिए हाइड पार्क है और पूरा लंदन जो है हमारे लिए हाइड पार्क है। हमारा जिसने भी कण टूटे, जिसने भी भागना है उसे लंदन जाना है। और ये आज से नहीं है, ये अनफॉर्चुनेटली आपका सिकंदर मिर्ज़ा साहब के दौर से इस तरह की चीज़ें हुई और अनफॉर्चुनेटली चली आ रही है। हम अभी बात कर रहे थे अपना अख्तर मैंगल साहब की पहले हिस्से में, तो अख्तर मैंगल साहब के वालिद जो हैं अताउल्लाह मैंगल साहब, इन बलूचिस्तान के पहले वज़ीर आला थे 1972 से 1973 तक, जब मार्शल लॉ उठा था और वानी नोट का खात्मा हुआ था, तो वो बलूचिस्तान के पहले वज़ीर आला मुंतखब हुए थे नैब की तरफ से, नेशनल अवामी पार्टी की तरफ से। तो ये भी एक लंदन प्लान के हाथों जो है माजूल हुए और इनकी हुकूमत गिराई गई और भुट्टो साहब ने इनकी हुकूमत का खात्मा किया और उसके पीछे भी एक लंदन प्लान की बाजगश्त थी। फिर नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान जिस तरह वो तार कादरी चौधरी बरादरान और कुछ और पीटीआई की सीनियर क्यादत जिस तरह लंदन में मिली थी तो एक और लंदन प्लान सुनने में आता था। फिर आप एक लंदन में पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियों का महवर बन जाता है। अल्ताफ हुसैन साहब भी लंदन में बैठे हुए थे और कराची को वहाँ से डिस्टर्ब भी किया करते थे, चिराया भी करते थे और सारा कुछ वहीं से करते थे। तो लंदन की एक सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान की सियासत में। तकसीम से पहले जैसे वहाँ पे गोल मेज कॉन्फ्रेंसें होती थी ना, अब वहाँ पे चकोर मेज कॉन्फ्रेंसें होती हैं। ये सारे जना जितने भी चोर हैं, बल्कि चकोर भी नहीं, चोर मेज कॉन्फ्रेंसें जितनी होती हैं वो सारी वहीं पर होती हैं। तो अच्छा, मजे की चीज़ ये देखे ना, यहाँ से सारे इलाज के लिए लंदन जाते हैं, पता है कौन सा रूहानी बाबा वहाँ पर बैठा हुआ है जो इंसानों का इलाज करता है, और फिर यहाँ से इलाज का क्या कर भी जाते हैं और आगे स्विट्जरलैंड भी निकल जाते हैं और वहाँ जाके कारोबारी मामला भी देखते हैं। आपको याद है कि जब पानामा भी नया नया सर्फिस हुआ था तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी लंदन गए थे और एक सर्जरी बड़ी मुतराजी किस्म की हुई थी, उस दौरान भी सुनने में आता था यार कि आपका लंदन में काम क्या होता है, वो दाएँ बाएँ जो आपका वर्जिन आईलैंड है और इस तरह के जहाँ पे कारोबारी इनका स्टेक्स थे वहाँ पे जाकर अपनी कोई बुक्स सीधी कर रहे थे। अब इसी तरह जहांगीर तरीन के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो अपनी बुक्स जो हैं वो ठीक करने गए हैं मजीद, ताकि वो धंसे ना फंसे ना मसाइल पर मुसीबत में।
तो इनकी मुलाकात खारिज अज़ इम्कान नहीं है, लेकिन जिस सियासतदान की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी का आपको भी अंदाजा और हमें भी अंदाजा है कि बिल्कुल ही पेपर की अगर इतनी उनके पास सॉलिड इन्फॉर्मेशन थी तो वो अपने आप को क्यों चाहते थे कि उनको कोर्ट ना किया जाए और इस तरह वो चोरों की तरह खबर क्यों चुनवाना चाहते थे। तो मुकासिर भी होते हैं वो, इसलिए बहरहाल दोनों साहिबान लंदन में और मिल भी लेते हैं तो कोई बहुत बड़ी क़यामत नहीं आती। मेरा ख्याल उनको मिलना चाहिए, आ गुल करे वो आओ जारियाँ, ठीक है तू पुकार, पता नहीं कोई का शेर भी है कि दोनों बेचारे डसे हुए हैं एक दूसरे के भी और मुश्तरका एक पार्टी के भी दोनों डसे हुए, तो मिल लें तो ठीक है, दोनों कम अज़ कम एक दूसरे के कंधे के रख रो तो सकते हैं ना यार, कि तू भी आयल ना मैं भी ना आयल और बस यहीं पर लंदन में बैठते हैं और क्या कर सकते हैं। तो बाकी ये कि क्या बात क्या हम कर रहे थे जहांगीर सिंह के हवाले से कि भाई उनकी मुलाकात मुमकिन, हाँ मुलाकात मुमकिन, मुलाकात मुलाकात का बिल्कुल इम्कान जरूर है। जहांगीर तरीन ने उसकी बड़ी कैटेगोरिकली डिनाई की है कि भाई मैं खान की कमर में छुरा नहीं घोंपूंगा और पता नहीं मैं बेवफाई नहीं करूंगा। तो यार ये बंदा वो करें जिसका करेक्टर लोगों को पता हो, आप किस किसके छुरा घूम के आए हैं, आप शहबाज शरीफ के साथ थे 97-98 वाली काबीना में मुशीर थे, उसके बाद आपने शहबाज शरीफ का छुरा पता नहीं घोंपा या नहीं घोंपा, लेकिन आप जो है मुशरफ की काबीना में भी थे, फिर मुशरफ को पता नहीं आपने छुरा घोंपा या नहीं घोंपा, फिर आप वो इमरान खान के साथ भी आ गए। तो पीपल्स पार्टी के वो जमाल दीन वाली वाले जितनी सारी फैमिली है उसके साथ भी आपने क्या किया, तो एक बंदा जिसका माजी सामने हो उसको नहीं कहना चाहिए यार कि वो ऐसा करेगा या नहीं करेगा। ये उस तरह का दावा कर शीत दावा करता है कि यार मैं इमरान खान का साथ मरते तक छोड़ दूंगा, ठीक है। अब शेख रशीद अगर दावा करता है कि यार वो किसी का साथ नहीं छोड़ेगा तो फिर आप इस मुल्क में कुछ भी कर सकते हैं। शेख रशीद हमें याद है उस वक्त प्राइवेट मीडिया नहीं आया था, तो हम चूंकि पिंडी बवाद ही हैं, तो ये बनी में जो है ना जलसे में नवाज शरीफ की पोस्टरों को चूम के कहा करता था कि जितनी मेरी कीमत बेनजीर लगाती है नवाज शरीफ को छोड़ने की, इतने में मैं नवाज शरीफ का पोस्टर ना बेचूँ, ठीक है। तो ये इस तरह के डायलॉग्स बड़े मारते रहते हैं ये सारे, तो सारों ने कोई किसी ना किसी का छुरा घोंपा हुआ, और क्योंकि है सारे छुरा ग्रुप हैं ये बुनियादी तौर पर, आए भी इसी तरह ये सारे छुरा ग्रुप और आवाम में भी रोज ये छुरा उसे गली छुरा इनके पास होता है मुंह में, वो क्या बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ये इनकी सियासत होती है, छुरा इनके पास है उसे ये जबा करते हैं आवाम को और घूमते रहते हैं अगली मंजिल के लिए पिछले के साथ बड़े राम सुकून से छुरा घूमना होता है। तो कोई करेक्टर नहीं है किसी भी पॉलिटिशियन का माजरत के साथ पाकिस्तान में, तो आप अगर वो कहता है कि मैं पुराने को नहीं छोड़ूंगा जी छुरा घूम देंगे तो क्या मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या देख रहे हैं आप खान साहब के ऊपर इसका क्या, मुझे नहीं लगता कोई खास फर्क पड़ेगा हमारी सियासी स्ट्रक्चर के ऊपर फिलहाल। जहांगीर तरीन मुझे नहीं लगता कि खान के बगैर जहांगीर तरीन की इतना जो है इतना क्रेडिबल है, या छुरा घूम के क्या असर पड़ेगा? हाँ ये सब तक तो बात ठीक है, चला जाए किसी और पार्टी में चला जाए, उसके बाद जो 50 सीटें हैं चला जाए, फिर क्या कर लेगा यार? 50 सीटें लेकर गया तो आपकी घुमत नहीं रहनी, सादा सी बात है ना, नंबर गेम तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। आप देखिए खान का सियासी कद उससे जहांगीर तरीन से जरूर पड़ा, इसलिए जहांगीर तरीन जो है वो खान के पीछे चल रहे चल के आगे, और वो एक अलग चीज है जो आप बात कर रहे हैं ना वो जज्बातियत नहीं, मतलब ये है कि पल्ले उसकी एक सीट भी नहीं है तो देखिए पल्ले उसके अपने एक सीट ना होना है, लेकिन उसके पास एक जहाज जरूर था जिसमें सारे बंदे लाया करता था, बंदे अगर पैदल आ रहे थे या गाड़ियों पे आ रहे थे तो रस्ते में सोचा किए जा रहे थे, ये मैं आपको बता दू, ये बंदे रस्ते में तो फिर जहाज का बड़ा रोल है इसमें कि वो घंटे डेढ़ घंटे में पहुंच जाते थे। अगर आप बंदा मुजफ्फरगढ़ से आजाद उम्मीदवार जीता हुआ चल के आ रहा है और 16 घंटे की ड्राइव करके आ रहा है तो क्या पता रस्ते में लाहौर रुक जाए। जब तक सुना ये था कि जब तक हमदा शहबाज की ड्यूटी लगाई गई थी कि वो जाके आजाद लोगों को बनाए, तब तक जहांगीर तरीन अपने जहाज में बिठा के उनको बनी गाला लेके पहुंच चुके थे जी, वो ना एक वो एडवांटेज तो हुआ ना, टाइम का एडवांटेज हुआ, टाइम इज आजाद पहले जो आजाद में इनको पहले मनाते हैं, मतलब ये इनको फोन पे मतलब एक मैसेज पे मना भी नहीं सकते, वहां जाके मनाना पड़ता है इनको आजाद उम्मीदवार को, बहुत से फैक्टर्स होते हैं, मेरा ख्याल है कि मने बनाए होते हैं पहले। सर आप आजाद इलेक्शन लड़ते इसीलिए कि आपने अपनी कीमत, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो हमेशा वो निगोशिएट करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, हर पार्टी से वो मिलते हैं देखते हैं यार कि क्या उनके साथ निगोशिएट किया जाता है, इल्ला माशाल्लाह का कुछ मिसालें होती हैं कि जो पार्टी के साथ बहुत ही नजरियाती लोग होते हैं जिनको टिकट नहीं मिला होता वो आजाद लड़के आके फिर जमात के साथ बैठ जाते हैं, वो ज्यादा चीज़ें कुछ मिसालें मिलती हैं आपको, लेकिन जनरली ये होता है कि वो आप आजाद इलेक्शन से ही ऐसे लड़ते हैं और जीतते इसलिए यार कि आप जो है ना अपने लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मैक्सिमम जो है वो बार्गेन कर सके और
फायदे उठा सके। तो उसमें एक चीज है, बदकिस्मती से चलती है पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन चल रही है उसमें आगे। जाहिर है इंस्पेक्टर ने भी, क्योंकि खान साहब आपको याद दो कि उन्होंने आखिरी जलसे में भी जो के पी के में कोई जलसा किया था तो उन्होंने कहा था यार कि आजाद उम्मीदवारों को आपने वोट नहीं देना, आप मुखालफ पार्टी को वोट दे दें, आजाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान सियासत में कैंसर है। और फिर सारा कैंसर खान साहब ने बड़े खुश दिली के साथ और खुश स्टोपी के साथ ले भी लिया। सियासी मजबूरियां होती हैं, हुकूमत बनाने के लिए नंबर पूरा करना होता है, इसमें कोई खान साहब का कसूर भी इतना नहीं है, कोई इतना पाकिस्तान में नजरियाती और इतना असूली नहीं है को कहा यार कि चलो मेरे पास 10 सीटें कम है तो मैं नहीं बनाता हुकूमत, मैं बैठ जाऊंगा अपोजिशन में बैठ जाऊंगा, मैं आजाद बंदे नहीं लूंगा। ये फैसले करना आसान नहीं होता, आप इकतदार के लिए सियासत करते हैं, इकतदार के लिए आप सारी एनर्जी अपनी वेस्ट की होती है। तो आप इतना करीब आ जाए मंजिल के तो फिर खान साहब कहते हैं कि बेशक बारिश भी हो जाए तो मैच आप जीत के एक पॉइंट मिल गया तो सेमीफाइनल तो जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल होती है सियासत में, आप जगह पे जहाँ पे इस तरह का निज़ाम है पार्लिमानी और उसमें सियासी जमातों का ऐसा स्ट्रक्चर है। लेकिन फिलहाल ये कि जहांगीर तरीन इस मौजूदा सेटअप में इंपॉर्टेंट है, उनके वैसे कद काट में आपके तो बिल्कुल इतफाक करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा कद काट उनका पाकिस्तान का सियासी कद काट नहीं है कि वो किसी भी जमात को बना सके या तोड़ सके। लेकिन मौजूदा ये है कि अगर उनकी लॉयल्टी उनके साथ कुछ 10-12-15 लोगों की है जो उनका दावा है, तो फिर जाहिर है फिर उनकी इंपॉर्टेंस हो जाती है कि आपके लिए वोट वोट इंपॉर्टेंट है, एक बंदा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में अगर आपसे 8-10 वोट दायब में होते हैं तो उसको अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो आपके बड़ी थिन मेजोरिटी आपके पास, तो ये इंपॉर्टेंट है जहांगीर तरीन की, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मौजूदा सूरत हाल में देखें तो अब जो जा रहा है उसके ऊपर जो एलिगेशन है चीनी के हवाले से जो कमीशन की रिपोर्ट आई है, तो उसका अपना ग्राफ जो है बेशक जितना मर्जी वो ठीक है या जो भी है वट एवर, बट इस टाइम का ग्राफ नीचे जा रहा है, मतलब लोगों में भी तो उसने जाना है ना, तो उसका ग्राफ जो है आई थिंक नीचे जाएगा। कि आप अगर आप हाकिम हैं, आप किसी को छोड़े हैं तो आपकी बल्ले बल्ले तब भी होगी ना, अगर आप चोर साबित होकर छोड़े हैं तो गालियां तो आपको ही पड़नी। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ग्राफ यहाँ पे आपको देखें उमर, सियासी जो हमारा माजी है वो इतना बदनुमा है कि उसमें ग्राफ की कोई अहमियत नहीं है। ग्राफ्ट की जरूरत होती है कि आप कितना पैसा कहाँ पे दाएं बाएं कर सकते हैं, आपको विंडिकेट भी कर दिया जाता है, एक और कमीशन बनता है, एक और इसके ऊपर इंक्वायरी बैठती है और वो आपको विंडिकेट कर देती है, वो आपको नीट एंड क्लीन कर देती है कि भाई ये बंदा बड़ा इसके साथ उस वक्त में खास सूरत हाल में बुरा किया गया, तो वो कोई मुश्किल काम नहीं होता। मुझे तो ये लगता है यार कि आप तो एक उम्र का एक अलहदा तकाजा है कि अब ये सारे अपने अपने 70 साल को टच कर रहे हैं और ज़ाहिर है तभी उम्र अल्लाह इनको सबको ज़्यादा दे, 100-100 साल से ज़्यादा की उम्रें ये पाएँ। लेकिन बहरहाल एक सेहत और तबीयत का उम्र का फैक्टर ना होता तो ये सारे लोग आपको मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, नवाज शरीफ ने भी विंडिकेट होने इस मुल्क में और जहांगीर तरीन ने भी विंडिकेट होने, इनके ऊपर जो जो इल्ज़ाम लगा हुआ है ये दोबारा नीट एंड क्लीन होंगे क्योंकि दोबारा ज़रूरत पड़ती है सिस्टम को, तो इस सिस्टम को जब जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी इनके लिए सर्टिफिकेट तैयार रखे होते हैं। वो आपको अगर याद हो तो नवाज शरीफ 99 में तैयारा हाईजैकर का मुजरम साबित हो चुका हुआ था, 23 साल सजा हो चुकी हुई थी और वो मुजरम बहुत सी चीज़ों में और में भी साबित हुआ हुआ और लेकिन फिर उसके बाद वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बने। तो पाकिस्तान की सियासत में ये बड़ी बेरहम चीज़ें होती हैं, आप ओवर नाइट जो है वो नीट एंड क्लीन भी होते हैं और ओवर नाइट जो है वो आप विलन भी बन जाते हैं, तो वो उनके लिए कोई मसला नहीं। ग्राफ कोई चीज़ नहीं होती, ग्राफ आप अगर बात करें तो ग्राफ वाला पहले दफा पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट और कल्चर आया सोशल मीडिया जो कि नया नया था, ये ग्राफ खत्म हो जाएंगे, जिसकी ग्राफ बुक है उसने पास रख ली है दोबारा और दोबारा वही पुराना निज़ाम चलना है, तो ग्राफ से कुछ नहीं होना। बहरहाल ये है कि खान साहब को छोड़ के जहांगीर तरीन साहब बिल्कुल वो उनको नुकसान होता है। पाकिस्तान में एक और चीज़ जो पॉलिटिकल रियलिटी है, सिर्फ ये पीपल्स पार्टी के बारे में शुरू में कहा जाता था कि जिसे पीपल्स पार्टी छोड़ी वो कहीं भी सेटल नहीं हुआ, उसकी सियासी मौत हो गई। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद ये चीज़ काफ़ी हद तक नून लीग के ऊपर भी आई कि नून लीग के भी जो बड़े स्टारवर्ड्स थे, अगर नून लीग को छोड़ा तो उसके बाद वो एक उन्होंने पॉलिटिकल खानाबदोश की जिंदगी गुजारी। ताज़ा तरीन मिसाल आप चौधरी निसार की ने, हालांकि उनका कद काठ अपनी जगह बड़े सियासतदान है लेकिन चूंकि जमात के साथ अब नहीं है तो अजीब से उनके मामला हो गए। उससे पहले भी काफ़ी लोग जिन्होंने नून लीग छोड़ी उनके साथ मसायल आप देख चुके हुए हैं। और बाकी इसी तरह जो एक सेटल पार्टी स्ट्रक्चर जो छोड़ता है ज़ाहिर उसको कुछ उसकी कास्ट बेयर करनी पड़ती है, तो वो तो जहांगीर तरीन को भी बेयर करनी पड़ेगी अगर वो जमात छोड़ते हैं। लेकिन सरदास्ती है कि वो इस पोजीशन में जरूर है कि वो खान साहब को टेंट पहुंचा सकते हैं अगर 8-10 लोग वो दाएं बाएं कर सकते हैं। अभी तक तो मफरूज है क्योंकि हुकूमत छोड़ना उनके पीछे जो आए थे, अब बड़ी बात है कि वो उनके लिए हुकूमत भी छोड़ सकते हैं नहीं छोड़ सकते,
ये देखना पड़ेगा। अच्छा आपने भी आजाद उम्मीदवार बात की है, आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं और बाद में अक्सर ये होता है कि पार्टी टिकट नहीं मिलता, इलेक्शन लड़ते हैं और बाद में अपनी पार्टी में शामिल रहते हैं, तो एक किस्सा माजी का याद आ गया कि जब आपके शहर में किसी ने कहा था कि ये जो सीट है मैं जीत के नवाज शरीफ के कदमों में रखूंगा और सीट जीतने के बाद तू कौन तो मैं कौन। सर किस्मत वाला आदमी है यकीन जाने, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन से आउट होकर वापस आने वाला वाहिद आदमी है, मीन्स अभी भी हैज इररिलेवेंट आदमी, लेकिन बहरहाल जिनकी वो ज़रूरत है वो उसको ले आए असम्बली में रख लिया उन्होंने और वजीर शजीर बन गया दोबारा। लेकिन जोम तो ये है कि वो समझते हैं शेख साहब के भाई मैंने नवाज शरीफ को डिसक्वालीफाई करवाया, ठीक है किसी हद तक पटिशनर थे और 62-63 के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर भी नहीं कहता कि भाई एप्लीकेशन की 62-63 के हवाले से थी, लेकिन पॉलिटिकल बेटे जिनकी क्या उनको खुद भी पता है यार कि अगर वो अभी भी इमरान खान के बैसाखियों के नीचे से निकाल दीजिए तो वो कौंसलर भी बन सकते हैं, ये फैक्ट है। पिंडी को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, 85 से वो रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, पिंडी को उन्होंने बहुत काम किया है, ये उनको क्रेडिट जरूर मिलना चाहिए, पिंडी की सड़कों के हवाले से, पिंडी के स्कूलों के हवाले से, पीने के पानी के हवाले से उन्होंने बड़ा काम किया, लेकिन बहरहाल उनका कद काट सियासी यही है कि आज भी अगर उनके नीचे से इमरान खान की बैसाखी निकाल दी जाए जो पहले नवाज शरीफ की बैसाखी होती थी, वो अपने सर के ऊपर वो इलेक्शन 2008 का लड़ के देख चुके हुए हैं, उसके बाद उसका वो जिमनी इलेक्शन लड़ के भी देख चुके हुए हैं शकील अहमद के मुकाबले में, उन्हें पता है यार कि ही स्टैंड्स नो वे। आज इमरान खान की चूंकि बेसिकली वोट बैंक इमरान खान का है या नवाज शरीफ का है पिंडी में जो कंपटीशन होता है, और तीसरा फिर कुछ फैक्टर्स होते हैं, कोई खुदाई खदमतगार भी बीच में आ जाते हैं, वरना इस दफा भी शेख रशीद इलेक्शन जीतते हुए नजर नहीं आते थे, ये आप किसी भी पिंडी के में देख लें, पिंडी में जो आखिरी जलसा किया था उनके मुखालिफ चौधरी तनवीर के साहबजादे इलेक्शन लड़े थे तो उस जलसे ने सूरत क्लियर कर दी थी यार कि शेख रशीद इज आउट ऑफ द गेम, लेकिन बहरहाल इलेक्शन उन्होंने जीतना था, उनके मुकदर में जीत लिख दी गई थी तो वो जीत गए, तो वो बहरहाल किस्मत और आदमी हवाले से यार कि 2002 में चूंकि प्राइवेट मीडिया नहीं था उसके बाद वो वजीर बने तो प्राइवेट मीडिया पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ के दौर में आया, एक बीटीवी होता था वो हर जलसा कवर नहीं करता था, उन्होंने हर जलसे में हर चौक में हर चौराहे में हर रैली में हर जुलूस में ये बात की हुई है, अब वो मुकर जाते हैं कहते हैं मैंने की हो तो मुझे साबित करे कोई, लेकिन हर जगह ये कहते थे यार कि 2 सीटें मैं जद्दे जाकर नवाज शरीफ के कदमों में डालूंगा, लेकिन बहरहाल वो जद्दे में क्या जाते, जो नवाज बहरहाल जो पाकिस्तान की सियासी तारीख ऐसी ही है कि नवाज शरीफ ने भी शेख रशीद के साथ कोई बहुत अच्छा नहीं किया और शेख रशीद ने भी नवाज शरीफ के साथ कोई बहुत अच्छा नहीं किया, ठीक है दोनों का स्कोर इफेक्ट लेवल है। अच्छा उमर अगर हम सुन पा रहे हैं, उमर हम सब भी हैं इस टाइम थोड़े दिन में दोबारा ज्वाइन करेंगे उनके बाद भी स्टोरी थी डिस्कस करने के लिए। अच्छा एक वो भी आ गए यासमीन राशिद के हवाले से, उमर कुछ डिस्कस करना चाह रहे थे, उमर यासमीन राशिद के हवाले से आप अभी जो पहले डिस्कस करना चाह रहे थे वो जरा शेयर करें। तमाम मैं कह रहा था कि अगर हम सियासी वाबस्तगियों को बालातर रखते हुए अगर हम सिर्फ इस बयान को देखें तो मेरा ये ख्याल था, मेरा ये ख्याल है जाती कि ये उनका एक रिक्वेस्ट भरा बयान है, अब दर्द भरा आगे आपने कहा वो गाफल है, लेकिन खैर जो भी है, तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का ये बिहेवियर कैसा है? यार इस बिहेवियर को परवान चढ़ाने में भी यासमीन राशिद और उनकी जमात का बहुत बड़ा हाथ है, मैं नहीं कहता कि सारा कसूर उन्हीं का है, लेकिन ये अगर रुझान है या ये एक ट्रेंड बना है पाकिस्तान में पिछले 8-10-12 साल की सियासत में 2011 से खास तौर पर, तो उसमें इनका बड़ा रोल है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सियासतदान को अपने हाथों की दी हुई दांतों से खोलनी पड़ती है, जुबान बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जुबान के ऊपर ही आपकी सियासत का बड़ा दारोमदार होता है, पाकिस्तान जैसा कि सियासी कल्चर है। आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले फ्रस्ट्रेशन एक आ जाती है कि लेवल का फ्रस्ट्रेशन, सियासतदान ने उसी फ्रस्ट्रेशन के लेवल को जो है वो ओवरकम करना होता है और उसी वक्त अपना गट्स या स्टेमिना दिखाना होता है। इलेक्शन से पहले इमरान खान ने खुद यानी कि यासमीन राशिद तो उनकी जमात की हैं, इमरान खान ने खुद जो है वो पंजाब और अपर पंजाब के लोगों को गधे कह दिया था जो नवाज शरीफ को वोट देते हैं, ठीक है उन्होंने कहा नवाज शरीफ के जो जलसों में जाते हैं सारे गधे हैं, ठीक है तो वो ट्रिकल डाउन करता है, फिर उनकी पार्टी में भी सारे इस तरह के हॉकिश किस्म के बयान देने वाले पड़े, तो वो मैडम का बड़ा पन है, बड़ी खूबसूरत बात, मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूं, उन्होंने माजरत भी कर ली उसके बाद। अच्छा इसमें एक बात की मैंने भी नवाज अटेंड किया हुआ छोटा मोटा जी जी
जी मेरे को बोलिएगा। जी वो ये थे कि मैंने मियाँ साहब का भी जलसा अटेंड किया था, बाद में मैं पीटीआई की तरफ आ गया, तो अब मुझे समझ नहीं लग रहा कि मैं वो वाला गदम या वो वाला, मुझे मैं दोनों साइड पे आ गया हूँ, तो मुझे वो नहीं समझ लग रहा कि मुझे खान साहब ने भी गदा कह दिया हुआ है और मुझे नून लीग वाले भी अब गदा समझ रहे होंगे, तो मैं किस साइड पे जाऊँ फिर? ऑन द लाइटर नोट, देखिए कारकुनों की लेवल के ऊपर ऐसे की चीज़ें चलती रहती हैं, अच्छी खूबसूरत बात होती है, उनकी अपनी अपनी जज्बाती वाबस्तगी जो होती है अपनी जमात से अपनी सियासी क्यादत से, ये एक अच्छी चीज़ भी होती है जाहिर है, इसी से आपके पॉलिटिकल शोर डेवलप करता है और आपकी पार्टिसिपेशन होती है एक सिस्टम के अंदर। खान साहब को इसका क्रेडिट जाता है कि वो यूथ को लेकर आए एक पार्टी इस अपने में और एक फिर पोलिटिकल प्रोसेस में लेकर आए, उसकी ज़ाहिर है कॉस्ट थोड़ी बहुत तो होने दे रही, लेकिन यह है कि अब लेकिन लीडरशिप के ऊपर जब आप आ जाते हैं तो फिर आपको बड़े नाप तोड़ के अल्फाज बोलने पड़ते हैं, फिर आपके अल्फाज जो हैं वो बड़ी दूर तक जाते हैं और बड़ी देर तक आपका पीछा करते हैं, इसलिए बड़ा सोच समझ के कोई ना कोई लफ्ज कॉइन करना चाहिए लीडरशिप के लिए, लोगों के लिए गुस्सा जज्बातियत इन्हीं से ऊपर उठ के ही आप बड़े लीडर बनते हैं, तो इस चीज़ से हट कर। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि जो लाहौरियों को उन्होंने कहा कि वो उसमें जाहिर है मैं आपसे काफ़ी तक एग्री करता हूँ कि उसमें एक थोड़ा सा वो एक रिक्वेस्ट पेन थी यार कि क्या पागलपन किया है बेसिकली यार कि आप क्यों केयर नहीं कर रहे अपने लोग, तो वो केयर हम इसलिए नहीं कर रहे यार कि हमारा वज़ीरे आज़म कन्फ्यूज है, वो आज तक नहीं बता सका इस कौम को यार कि लॉकडाउन हक में है या लॉकडाउन जो है वो आवाम के खिलाफ है, बुनियादी तौर पर पोल्ट्रे ऐसा कर दिया आपने यार कि लॉकडाउन वर्सेस पब्लिक हो गया एक लेवल के ऊपर, तो वो फिर ऐसे में जब कन्फ्यूजन हर तरफ होती है तो उस कन्फ्यूजन में कोई पॉलिसी कोई डायरेक्शन नहीं होती, एक दिन आप जबरदस्ती दुकान बंद करवाते हैं, दूसरे दिन आप कहते हैं नहीं यार लोग भूख से मर रहे हैं आप दुकान खुलवा देते हैं, तो फिर इस तरह की चीजें होंगी। अच्छा तीसरी चीज ये है कि हमारे उस्ताद हैं हमारे टीचर हैं ताहिर मलिक साहब, प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब बड़े खूबसूरत आदमी और बड़ा खूबसूरत लिखने वाले आदमी और बड़े नजरियाती आदमी, बड़ा काम उनका पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, उन्होंने बड़ी खूबसूरत तहरीर लिखी, वो मैं पूरी तो यहाँ पर नहीं पढ़ सकता, लेकिन उन्होंने लाहौरियों का पोलिटिकल शोर के ऊपर बड़ा खूबसूरत लिखा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पोलिटिकल शोर जो होता है या जो आपका आखिरी समझना चाहिए कि जो पॉलिटिकल शोर का लास्ट टेस्ट जो होता है वो लाहौर होता है, यानी कि पाकिस्तान के लिए जो तहरीक चल रही थी पाकिस्तान बनने के लिए उसमें जब करारदाद लाहौर जो हुई 23 मार्च 1940 की वो पाकिस्तान बनने के लिए डिसाइसिव साबित हुई, ठीक है लाहौर ने फैसला लिया पाकिस्तान बनाने का तो पाकिस्तान बनना मुमकिन हुआ, कायदे आजम को लाहौर से जो ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिली और यूनियनिस्ट पार्टी का यहाँ से जो चिराग गुल हुआ वो लाहौर ने किया, उसके बाद जब पाकिस्तान बन जाता उसके बाद जितनी भी आप चीज़ें देखें जुल्फकार अली भुट्टो अगर अयूब खान के हमले के खिलाफ निकले तो उनको लाहौर ने अवामी लीडर बनाया, ठीक है जब तक लाहौर ने जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर लीडरशिप की स्टैंप नहीं लगाई उसके पीछे खड़े नहीं हुए, और आप इसे अंदाजा लगाएं कि लड़काने का जुल्फकार अली भुट्टो उठ कर आता है और लाहौर में अलामा इकबाल के पोते अलामा इकबाल के बेटे जस्टिस जावेद इकबाल को इलेक्शन हरा देते हैं लाहौरी को, क्यों लाहौर का ये पोलिटिकल शोर था कि उन्होंने कहा कि लड़काने का हो या जहाँ मर्जी का हो बंदा हमारा है, तो ये लाहौर का पॉलिटिकल शोर था। उसके बाद देखें तो बेनजीर जब वापस आई जिला वतनी खत्म करके 86 में 10 अप्रैल 1986 में, तो जिस किस्म का फकीदुल मिसाल किस्म का इस्तकबाल लाहौर ने बेनजीर का किया ये इस बहस में जाए बगैर यार कि वो सिंध की हैं या वो कहीं और की हैं जो चीज़ें बाकी सूबे अनफॉर्चुनेटली करते हैं, लाहौर ने जिस तरह उनको अपनाइत दी और जिस तरह उनको रिसीव किया तो वो लाहौर का पॉलिटिकल शोर था। उसके बाद जो है आप देख रहे हैं नवाज शरीफ का जो पॉलिटिकल राइज है और नवाज शरीफ की जो मुशर्रफ के खिलाफ जो जद्दोजहद थी उसमें कुलसूम नवाज को खासतौर पर लाहौर से वेलकम किया वो लाहौर का पॉलिटिकल शोर था। इमरान खान 2011 तक तकरीबन 15 साल जो है वो एक सीट के ऊपर इलेक्शन जीते थे मियाँ वाली से, जब 2011 में लाहौर ने उनको लबैक कहा और लाहौर के पीछे खड़ा हुआ तो इमरान खान इमर्ज करके एक नेशनल लीडर बन गए, तो लाहौर का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है पोलिटिकली और उस शहर को जिसने आपको सीट्स के बारे से तो खैर आपको 2 या 3 सीट से खैर मिल लाहौर से, और लेकिन यह कि वैसे बोर्ड बढ़ा दिया लाहौर ने आपको, तो आपको थोड़ा सा उस शहर को एक्नॉलेज करना चाहिए। आप पहले भी देख रहे हैं पीटीआई का बड़ा मशहूर नगमा है जो इब्रार उल हक ने गाया हुआ है, वो डिस्क्रिमिनेट करता है लाहौर को बाकी पंजाब से, वो कहता है कि जी लाहौरी जो बत्तियाँ पंजाब नहरे को गुस्सा की चीज़ रहेंगे, वो कहते हैं कि जो आप तय कर देते हैं लाहौरियों को यार कि मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के लिए बड़ा काम किया आप लाहौरी उसी के साथ रहे, तो आप उनको खुद कर रहे हैं तो ये सियासी तौर पे तो बड़ा ही ना पसंदीदा फैसला होता है। अच्छा एक और चीज बड़ी वो बल्कि नवील हमारे दोस्त हैं उनका अचीवमेंट भी आ रहा है, उमर को मुखातिब करके कह रहे हैं कोई नहीं मैं भी पहले गधा ही था
लेकिन मैंने वक्त पे तौबा तौबा कर ली, आपको भी कर लेनी चाहिए। अच्छा एक और चीज मैंने देखी, पहले हम ये कहते थे, हम देखते थे कि पीटीए के जो कारकुनान है वो कहते थे कि बाकी जमातें स्टेटस को की जमातें हैं, ये जनाब देखिए ना इनका प्रोटोकॉल आप देखें शाना प्रोटोकॉल है और ये वो है, मतलब नाम सुना के साथ हम प्रोटोकॉल देखते हैं तो वो जरा आप अगर हम किसी पीटीए वर्कर से पूछते हैं या कहते हैं कि ये प्रोटोकॉल है तनकीद करते हैं तो फौरन जवाब आता नहीं नहीं ये प्रोटोकॉल नहीं है ये सिक्योरिटी है, ये तो खान इमरान वजीर आजम की सिक्योरिटी है, यही सिक्योरिटी जब नवाज शरीफ के साथ थी तो बुरी लगती थी। हमारे एक दोस्त हैं अब्दुल्ला वानी साहब, वो बड़ी अच्छी बात करते रहते हैं और कहते रहते हैं यार कि ये इमरान खान जो है इसका प्रोटोकॉल का खर्चा उतना ही है जितना बाकियों का था, इसका एक्स्ट्रा खर्चा जो है रोटी का ही, खाना भी माशाल्लाह बहुत आपको पता भरपूर किस्म के खाते हैं खान साहब, बड़े मुसल्लम किस्म के बकरे और हिरन और बड़े यानी कि खुश खुराक आदमी है, अल्लाह पाक इनको सेहत दे और जिंदगी दे। तो वो कहता है कि यार अगर 100 रुपए इनके प्रोटोकॉल पर लगता है तो 150 रुपए इनकी रोटी पर लगता है, ठीक है क्योंकि वो जितनी वो मुस्तकल्लफ किस्म के आज भी जो लड़काने की खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि उसमें हिरन भी हैं, मुसल्लम बकरे भी हैं और तीतर भी हैं और मुर्गाबियाँ भी हैं, मछलियाँ भी हैं, तो वो भरपूर किस्म का उनके लिए जो है वो खाना भी वहाँ पे तैयार किया गया। तो खैर खान साहब मैं आपको बार बार कहता हूँ यार, मैं ये बात कह क्या रिटोरिक हो गया मुझे खुद अजीब लगता है, खान साहब जो इस पॉलिटिकल एलीट जो हमारी है या जो हमारी वैसे एलीट है, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं उसमें रिलीजियस एलीट भी डालें, मिलिट्री एलीट भी डालें, ब्यूरोक्रेटिक एलीट भी डालें और आप इवन ट्रेडर एलीट भी डालें, ताजर भी डालें, ये सारा जो एक इक्का दुक्का माइंडसेट है ना, उसमें जो तीसरा क्लब था जो कहीं एडजस्ट नहीं हो रहे थे, जो नून लीग में एडजस्ट नहीं हो रहे थे, जो पीपल्स पार्टी में एडजस्ट नहीं हो रहे थे, जो लोग फारग बैठे हुए थे, उनको मिला के क्लब बना दिया गया और वही काम सारी ये करते हैं जो बाकी सारी एलीट पाकिस्तान की करती है। खान साहब और आज से नहीं, खान साहब जब क्रिकेट भी खेला करते थे खान साहब ही थे, खान साहब जब सियासत की शुरू में हाँ ने कुछ चीज़ें प्रोटेक्ट के लिए जरूर रखी हुई थी कि वो उनका उनकी आड़ लेते थे सादगी की और इन सारी चीज़ों की, कुछ चीज़ें उनकी खैर है भी अच्छी कि वो अच्छा वो ब्रांड्स के पीछे पागल नहीं है, सादा पहन लेते हैं और आम जगहों पर रह भी लेते हैं, आम जगहों से खा भी लेते हैं, लेकिन बहरहाल वो ये है कि वो उसी पोलिटिकल एलीट का हिस्सा है, उसी पोलिटिकल कल्चर का हिस्सा है, वही उनकी मेंटेलिटी है जो आसिफ अली जरदारी की या नवाज शरीफ की है, उसी तरह के वो खुद पसंद हैं, उसी तरह के वो सिक्योरिटी भी उसी तरह की पसंद करते हैं, प्रोटोकॉल भी उसी तरह का पसंद करते हैं और वो हटा बचा भी वही चाहिए उनको जो बाकी सब की है, सिर्फ ये होता है कि वो उसका नाम तब्दील करने की कोशिश करते हैं, तो वो नाम आप बहुत अरसे तक लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप काफ़ी हो गया आपने काफ़ी आपका वो जगलरी चल चुकी, क्योंकि आपके पास सिर्फ एडवांटेज ये था कि आप इक्तदार के हवाले से वर्जन थे कि आपने कभी से पहले इक्तदार नहीं इंजॉय किया हुआ था, तो अब वो चीज़ भी जब आपकी ख़त्म हो गई तो फिर तो आप एक दूसरे नवाज शरीफ हैं, इमरान खान और नवाज शरीफ में कतन कोई फ़र्क नहीं है, ना जहनीत का, ना शऊर का, ना बेदारी का और ना दयानतदारी का, ना ईमानदारी का, ये सारी चीज़ें सारा कुछ नवाज शरीफ के साथ हो चुका है, नवाज शरीफ भी इतना ही पाकिस्तान में दयानतदार था, इतना ईमानदार था, इतना गरीब परवर था, इतना वो तब्दीली पसंद था, सारा कुछ था, तो वो सारा कुछ अब उससे जब हट गया तो आप देखेंगे कल परसों को अगर नया आएगा तो सारा कुछ खान साहब के ऊपर साबित होगा, खान साहब फाइनेंशियली भी करप्ट साबित होंगे, मॉरली भी करप्ट साबित होंगे, हर चीज़ होगी जो पाकिस्तान बाकी सियासतदारों के साथ हुई है, आप नहीं कह सकते यार कि इस कीचड़ में खान साहब उतरेंगे और साफ सुथरे कपड़ों के साथ निकल जाएंगे, सवाल नहीं पैदा होता। अच्छा उमर से मैं इसके उम्र का चक्कर है, पहले ही जो था प्रोटोकॉल था शहाना प्रोटोकॉल था, अब ये जो है वो सिक्योरिटी है, अब प्रोटोकॉल नहीं है, अब तो ये नवाज शरीफ के साथ तो शहाना प्रोटोकॉल है, इमरान खान साहब के साथ तो सिक्योरिटी रीजन है भाई। उमर अगर मुझे सुन पा रहे, उमर अच्छा उमर को गलत आवाज नहीं आ रही, जब तक उमर वापस आते हैं जाते साहब एक और केस जाते जाते मैं थोड़ा सा रूंगा डिस्कस कर दें, उज्मा कारकार वाला जो केस है मतलब अपना एक नजरिया है, मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ तो लाजमी नहीं है कि इमरान खान की हर बात मेरे लिए पत्थर पर लकीर है, ठीक है, मैं पहले भी ये बात समझता था कि ये सिक्योरिटी ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, ठीक है, उसे मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, मैं आज भी ये समझता हूँ कि वो चाहे वो जो है एस्टेब्लिशमेंट का वज़ीर आज़म आए या बल्कि आता ही उनका है या जो वट एवर जो मर्जी हो यार, जो उसके राइट है मतलब जो कानून उसको मतलब
हमारा जो है आइन उसको देता है इख्तियार, जो उसकी सिक्योरिटी है वट एवर जो भी उसकी जवाबदेही है उसे मिलनी चाहिए। डेट सिंपल, लाजमी है कि अगर आप एक मैं अगर एक लीडर को सपोर्ट करता हूँ तो मैं उसकी हर बात पर आंखें बंद कर कान बंद करके लबाई कह दूँ, नहीं मैं मेरा अपना भी एक नज़रिया इस बारे में। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ पर यह तनकीद बिल्कुल गलत थी, खान साहब की मिलनी चाहिए सबको। अच्छा जहाँ तक सर उतना करता है वो इमरान खान की बात के साथ ही रही है और अब जो है वो एक ऑडियो लीक होती है और उसके बाद फौरी तौर पर उनको डी नोटिफाई करने का नोटिस जो है वो आ जाता है। अच्छा ये 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 एक और कमेंट आया उमर, एक मिनट ये आपके लिए कमेंट है, पहले मैं इससे जरा वो हमारे दोस्त कमेंट कह रहे हैं कि उस बदीरिया का क्या हुआ जो साइकिल पे ऑफिस जाया करता था, वो आप साइकिल पे ऑफिस जाते हैं कि नहीं जाता है इलेक्शन से पहले? एक पता नहीं अब उस बेचारे की क्या डेवलपमेंट हुई है, अब मैं देखती हूँ उसकी क्या डेवलपमेंट हुई है, मैं पूछता हूँ खान साहब किसी तर्जमान से, शहबाज गिल साहब का मैं है नंबर नंबर हॉलैंड के वज़ीर आज़म की जगह ना आपको मैं बहुत ही मजे की चीज़ बताऊँ, पाकिस्तान में साइकिल जैसी चौधरी शिजात हुसैन चौधरी परवेज लिया के निशान था, उन्होंने भी साइकिल छोड़ दी वो भी ट्रैक्टर का निशान ले ये नजरिया ये है जो हालात खान साहब ने पैदा कर दिए माशी तौर पे कि हर बंदा साइकिल पे जाए जिसके पास गाड़ी है वो भी साइकिल पे जाए। तो अब नजरिया तो है ना, देखिए टाइगर फोर्स को क्या नौकरी दी है, वो आज आपके सामने खबर गुजरी होगी कि वो हत्ता लेते हुए पकड़े गए, लाहौर में सलमानी टोपी पहनी हुई है टाइगर फोर्स में, मुराद स्वीट की और टाइगर फोर्स की खिदमत जो है ना वो सुनहर अल्फाज से लिखी जाएगी तारीख। सर ऑन अ सीरियस नोट, मैं हूँ टाइगर फोर्स, मेरे कुछ काफ़ी दोस्त हैं तंजीमी साथी हैं, लिटरली हमें किसी ने जो है वो इस बारे में जो है वो फीड नहीं किया कि आपने क्या करना है कैसे करना है, मतलब हमें बस हवा में चीज छोड़ी जा रहे हैं और जो काम हमने नहीं किए हमारे खाते में डाले जा रहे हैं। और आप टाइगर फोर्स की बात कर रहे हैं कि उसको नहीं बताया करने क्या करना, उन्होंने आज तक उस्मान बुज़दार को नहीं बताया कि उसने क्या करना है। और मजे की बात यह है कि उनको आज तक पिंडी ने नहीं बताया कि उन्होंने क्या करना है खान साहब ने, तो वो बुज़दार साहब और खान साहब जो है वो जब भी मुलाकात करते हैं तो किसी से पूछते हैं तुझे कोई नया काम मिला है, वो कहते नहीं मुझे तो कोई काम नहीं मिला, कहते मुझे भी नहीं मिला, बस बैठे रहो ठीक है, एक दूसरे की कारकर्दगी ऊपर इत्मीनान का इजहार करके उठ जाते हैं। वो देखिए ना वो ऑडियो जो लीक हुई है उसमें कारदार की, इसमें उन्होंने एक हेलीकॉप्टर का जिक्र किया है, हेलीकॉप्टर के सफर का बुज़दार साहब के साथ, और कहा है कि जरा बच के रहे आपके कुछ बातें तो होंगी ना। अच्छा बुज़दार साहब भी इन पंगों में पढ़ने वाले हैं, मैं तो उनको बहुत सीधा सादा समझता था कि यार चलो शरीफ बंदा आया कोई, चलो मॉरली शरीफ आया बाकी लिहाज से नहीं, तो सैरों करवाते हैं सैरें करवाते हैं, चलो सीट वैसे भी खाली जा रही थी सैर करवाई थी तो क्या हो गया। तो सर टाइम जो है हमारा वो खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह ताला नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू मच, थैंक यू ऑलवेज श्योर।